आप कहाँ से हैं? मैं बेसिकली सूरत से ही हूँ, लेकिन काफी सालों से जर्मनी में रह रहा हूँ। आपको लाइपोमा की कुछ इंक्वायरी थी, तो वो आपको पता कैसे चला? ये लाइपोमा की वजह से वो फोरहेड पे थोड़ा स्वेलिंग था, काफी सालों, 2 साल, 2 ढाई साल से था, लेकिन लास्ट 6 महीने में काफी ग्रो हुआ था वो स्वेलिंग। तो उसके लिए फिर मैंने वहाँ पे कंसल्ट किया था, और वहाँ के डॉक्टर ने ये कहा था कि तकरीबन 3 सेंटीमीटर का स्कार होगा ये रिमूव करने में। फिर यहाँ पे मेरे घर पे बात हुई, और उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक डॉक्टर है, वो लोग जानते हैं डॉक्टर आशुतोष को। तो उन्होंने कहा तू वैसे भी 2 महीने में इंडिया आने वाला है, तो वाई नॉट यहाँ पे आके एक बार उनसे बात कर लूँ। ओके, तो आप ये लाइकोमा ट्रीटमेंट करवाना क्यों चाहते थे? एस्थेटिकली अच्छा लगे इसलिए, क्योंकि फोरहेड पे वो शंकर भगवान की तीसरी आंख जैसा लग बिल्कुल। रहा ओके, तो डॉक्टर आशुतोष शाह की अपॉइंटमेंट आपको मिल चुकी थी? था। नहीं, यहाँ पे आने के बाद मैंने कॉल किया था और फिर मुझे तुरंत अपॉइंटमेंट मिल गई। ओके, डॉक्टर आशुतोष शाह ने ये लाइकोमा ट्रीटमेंट के लिए आपको कितना टाइम का कंसल्टिंग रहा था? तकरीबन 10-15 मिनट में उन्होंने मुझे पूरा समझाया कि ये क्या है एक्चुअली और इसका क्या किया जा सकता है। ओके, ये 10-15 मिनट में जो भी कुछ डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके थे जी, हो चुके थे। और सर्जरी की डेट आपको आराम से मिल चुकी थी। सर्जरी की डेट मिल गई थी। सर्जरी से पहले जो भी कुछ कह लेना था डॉक्टर्स ने आपको बराबर से समझाया था। जी, समझाया था। सर्जरी के दिन का माहौल कैसा था? अच्छा था, टाइम पे सब कुछ हुआ था। मैं सुबह की अपॉइंटमेंट मिली थी और डॉक्टर ने मुझे पहले से समझाया था कि ये इसमें घबराने जैसा कुछ भी नहीं है, वो मुझे लोकल एनेस्थेशिया देंगे। और वो क्या, जब जब कुछ भी करते थे तो वो, क्योंकि लोकल एनेस्थेशिया था, मैं सुन सकता था उनको, तो वो मुझे हमेशा बता देते कि अब ये कर रहे हैं, अब ये कर रहे हैं, और इसमें घबराने जैसा कुछ नहीं। तो काफ़ी काम माहौल था। ओके, डॉक्टर आशुतोष शाह ने और उसकी टीम ने आपकी कैसे केयर ली थी? जी, सर्जरी, ड्यूरिंग द सर्जरी जैसे मैंने कहा, मुझे कंफर्ट फील करवाते थे कि मैं पैनिक ना करूं। और उसके बाद भी मुझे वो रूम में जब मैं था, क्योंकि मुझे वो थोड़ा नींद आ रहा था, वो एक दवाई दी थी उसकी वजह से, तो तब भी आके पूछ रहे थे जो असिस्टेंट डॉक्टर थे और सब, के सब कुछ ठीक है या नहीं। मेरा ब्रदर मेरे साथ था, तो जब मैं सो रहा था तो उनको पूछ के जाते थे कि सब कुछ ठीक है या नहीं। और बाय द टाइम कुछ 2 या 3 घंटे के बाद जब मेरी नींद चली गई, तब थोड़ा बहुत पेन था, लेकिन फिर डॉक्टर ने बोला कि मेडिसिन से वो चला जाए। ओके, सर्जरी के बाद कैसे केयर ली थी? जी, यही जो मैंने बताया जैसे आप कि डिस्चार्ज होके घर पे गए थे। डिस्चार्ज होके मैं जैसे घर पे गया, पहले तो ये थोड़ा पेन था, फिर डॉक्टर ने 2-3 घंटे के बाद देखा और उन्होंने कहा कि ये माइनर है, और ये उन्होंने पेन किलर मेडिसिन दी, और उसके बाद उन्होंने कहा ये 1 ही दिन में ये पेन चला जाएगा, लेकिन वो बैरेबल पेन था, इतना भी ज़्यादा नहीं था। और फिर दूसरे ही दिन यहाँ क्लिनिक में से कॉल आया था कि मेरा कैसा है और मुझे कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा उनका फॉलोअप था। ओके, ड्रेसिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी, ठीक रहा। डॉक्टर ने बताया कि सब कुछ उन्होंने देखा पहले, ये स्टिचेस और वो, और उन्होंने कहा कि सब ठीक जा रहा है, और नेक्स्ट वीक का मुझे एक अपॉइंटमेंट दिया है, तो वो टाइम पे फिर स्टिचेस रिमूव करेंगे डॉक्टर। ओके, मैं एक क्वेश्चन और करना चाहूँगा कि आपने तो जिस जर्मनी में कंसल्ट किया था, तो वहाँ में और डॉक्टर आशुतोष में क्या डिफरेंस लगा था? जी, मेजर तो यही था कि वहाँ के डॉक्टर ने मुझे कहा था कि तकरीबन 3 सेंटीमीटर का स्कार रहेगा, और जो डॉक्टर आशुतोष ने मुझे कहा कि बहुत माइनर स्कार होगा, तो उनकी वे ऑफ ट्रीटमेंट शायद डिफरेंट होगी या वे ऑफ ऑपरेशन डिफरेंट होगा। और मुझे छोटे से छोटा स्कार चाहिए था फोरहेड पे। और डॉक्टर ने कहा है कि ये जो जो लाइंस होती है हमारे फोरहेड पे, उन्होंने बिल्कुल। बिल्कुल वो उसके बीच में वो स्टिचेस लिए हैं, और डॉक्टर ने कहा है विद इन फ्यू मंथ्स वो डूबने से भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और डॉक्टर आशुतोष ने लाइपोमा ट्रीटमेंट तो आपकी कर ही दी थी,
तो आप पहले और अभी में क्या फील कर रहे हो? जी अच्छा लगता है, फोरहेड पे कोई लंप ना हो तो अच्छा, एस्थेटिकली अच्छा फील होता है, डॉक्टर कॉन्फिडेंट फील होता है। आशुतोष शाह और उसकी टीम का नेचर और एलिगेंस क्लिनिक का यहाँ का एनवायरमेंट आपको कैसा जी लगा? बहुत अच्छा लगा, और डॉक्टर और उनकी टीम काफी फ्रेंडली है और काफी अच्छा माहौल है यहाँ। ओके डॉक्टर आशुतोष शाह, ये लाइकोमा के अलावा भी हेयर ट्रांसप्लांट, बियर ट्रांसप्लांट और लाइपोसेक्शन गायनेकोमिस्ट ट्रीटमेंट करते हैं, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को भी अगर कोई कॉस्मेटिक सर्जरी करवाना चाहते हैं तो किसी को रेकमेंड करना चाहोगे? जी जी जरूर जरूर और डॉक्टर आशुतोष शाह, एलिगेंस क्लिनिक का 5 स्टार में से कितना स्टार देना चाहोगे? जी मैं टोटली सेटिस्फाइड हूँ, तो मेरे पास कोई कंप्लेन नहीं है, मुझसे 5 आउट ऑफ 5। ओके।